हाँ जी प्यारे विद्यार्थियों, प्रेशर से रिलेटेड कंसेप्ट हम पढ़ रहे हैं पिछले कुछ क्लासेस से, पास्कल्स लॉ, उसके बाद में उसकी एप्लीकेशंस, फिर प्रेशर। प्रेशर के बारे में कुछ बेसिक जानकारी हमने और भी ली। इसके साथ साथ आप बच्चों ने ऐसा यूनिट, तो प्रेशर के बारे में आप पहले से जानते हैं। प्रेशर का ऐसा यूनिट क्या बताओ? पास्कल, है ना। कैसे आपने प्रेशर का फार्मूला फोर्स अपॉन एरिया या थ्रस्ट अपॉन एरिया लेते हैं हम, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इसी को हम पास्कल कहते हैं। राइट? यस सर। ये तो आपके पास हो गया बच्चों एसआई यूनिट। ये क्या हो गया? एसआई यूनिट। अगर आप सीजीएस यूनिट की बात करें तो सीजीएस यूनिट फोर्स के लिए क्या लेंगे हम? डाइन डिवाइडेड बाय सेंटीमीटर स्क्वायर। तो डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपके पास क्या है? सीजीएस यूनिट है प्रेशर। ये क्या है बेटे? सीजीएस यूनिट। प्रेशर का सीजीएस यूनिट है। कोई डाउट? प्रेशर की कुछ और यूनिट्स भी हम यूज करते हैं। प्रेशर एक ऐसी क्वांटिटी है जिसकी अलग अलग यूनिट्स अलग अलग पर्पस के लिए यूज की जाती है, जैसे कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर। कल भी हमने एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में भी जानकारी ली। एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो यूनिट है वो 1 atm के कंपैरेटिव दी जाती है। मान लीजिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर की टर्म्स में आप बताना चाहिए, जैसे कल हमने एक न्यूमेरिकल किया था जिसमें हमने कहा कि 1 kilometer नीचे अप्रोक्सीमेटली 101 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर प्रेशर होगा ना, तो वो एज ए यूनिट हम यूज करते हैं। तो वो जो 1 atm है वो किसके बराबर है? हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, 1.01 × 10⁵ पास्कल। 1.01 × 10⁵ पास्कल। तो ये हो गया। इसके बाद में आपके पास कुछ और यूनिट है बेटे, एक दो। एक यूनिट हम यूज करते हैं प्रेशर का बार। क्या यूज करते हैं? बार। तो 1 bar इसमें होता है बच्चे 10⁵ पास्कल। 1 bar में कितने पास्कल होते हैं? 10⁵ पास्कल। कोई डाउट है किसी बच्चे को? नो सर। ठीक है। एक हम इसमें यूज करते हैं बेटे मिलीमीटर या सेंटीमीटर ऑफ मर्करी कूलम। मिलीमीटर या फिर सेंटीमीटर ऑफ मर्करी कूलम। इसके साथ ही चलो मुझे याद आ गया, वो भी मैं आप बच्चों को बता दूंगा। तो हम यूज करते हैं टोर। क्या यूज करते हैं? टोर। 1 tor इज इक्वल टू क्या होता है? 1 millimeter ऑफ एचजी कूलम। 1 millimeter ऑफ एचजी कूलम। क्या मतलब है इस बात का? इस बात का मतलब ये है, कल हमने ये कैलकुलेट किया था कि अगर कोई लिक्विड कूलम है उसकी हाइट अगर एच हो तो उसके बॉटम में एच रो जी के बराबर प्रेशर लगेगा। हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर को यहां पर इग्नोर कर रहे हैं, सिर्फ लिक्विड कूलम की वजह से प्रेशर की बात कर रहे हैं। ठीक है, ओनली लिक्विड कूलम की वजह से उसके बॉटम पर कितना प्रेशर होता है? एच रो जी। तो यहां पर एच 1 millimeter दे दिया हमें, हाइट कितना दे दिया? 1 millimeter। यानी अगर मर्करी को एज ए लिक्विड 1 millimeter हम हाइट ले लें उसका मर्करी का, तो 1 millimeter नीचे जितना भी प्रेशर होगा उसे 1 tor बोलते हैं। जितना भी प्रेशर होगा उसे क्या बोलते हैं? तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? अगर हमें कैलकुलेट करना हो तो एच रो जी के फार्मूले से। किस फार्मूले से बेटे? एच रो जी। एच की जगह हम क्या ले लेंगे? 1 millimeter। मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे, 10⁻³ आ जाएगा। मर्करी, मर्करी की डेंसिटी कितनी होती है बेटे? 13.6 × 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ये बात भी आप बच्चों ने याद रखनी है। ये डेंसिटी किसकी है? मर्करी की। वाटर की डेंसिटी कितनी होती है? ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, 10⁻³, 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। और मर्करी का वाटर के कंपेरिजन में 13.6 टाइम्स होता है, 13.6 से और गुना कर दो, ये मर्करी का आ गया। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो ये डेंसिटी हो गया। और अप्रोक्सीमेटली 10 ले लेते हैं हम जी को। जी को अप्रोक्सीमेटली क्या ले लें? 10। तो ये रफली क्या आ जाएगा बच्चों? देखो 13.6 × 10⁻³ और -3 आपस में कैंसिल, तो ये आ गया। तो इट इज अप्रोक्सीमेटली 136। 136 ऐसा यूनिट में आ जाएगा। इज इट क्लियर टू यू ऑल? तो अप्रोक्सीमेटली इतना पास्कल हो गया 136। मेरे ख्याल से हमने थोड़ा सा गड़बड़ इसमें ये कर दी के 10 की जगह हम अगर एग्जैक्टली 9.8 लेंगे तो फिर हमारा आंसर थोड़ा ठीक और ज्यादा बढ़िया हो सकता है। 13 हम अपनी जानबूझकर गलती हमें नहीं करनी चाहिए। 13.6 को 9.8 से गुणा करो बेटे। जब आप गुणा करेंगे अप्रोक्सीमेटली 133 आएगा, तो 133 पास्कल होता है। कितना होता है बेटे? 133 पास्कल। 1 टोर में कितने पास्कल होते हैं बेटे? 133 पास्कल। बोलो बेटे, कोई डाउट है किसी बच्चे को? यहाँ तक कोई दिक्कत है किसी बच्चे को? ठीक है जी। टोरिसिली एक साइंटिस्ट का नाम था, उनके नाम के वजह से यहाँ पर इस यूनिट को टोर बोला गया है। क्या बोला गया है? टोर। अब टोरिसिली ने क्या योगदान दिया?
टोरिसेली ने ये योगदान दिया कि उन्होंने एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने के लिए एक डिवाइस बनाया, एक एक्सपेरिमेंट किया जिसकी हेल्प से हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर कैलकुलेट कर सकते हैं। अब वो डिवाइस क्या है, कैसे काम करती है वो देखिए। देखो बेटे, उन्होंने क्या किया, एक मर्करी वेसल ले लिया, एक वेसल फिल्ड विद मर्करी। बोलो बच्चे बात समझ आ रही है? यस सर। यहां पर क्या भर लिया उन्होंने, मर्करी HG, क्लियर। और उन्होंने लिया एक टेस्ट ट्यूब, क्या लिया, टेस्ट ट्यूब, केमिस्ट्री लैब में देखी होगी। यस सर। टेस्ट ट्यूब में भी उन्होंने भर लिया ऊपर तक मर्करी, क्या भर लिया, मर्करी, पूरी टेस्ट ट्यूब में मर्करी भर लिया। इसको इसके ऊपर अंगूठा रख के, मान लो ये चौक को हम टेस्ट ट्यूब मान लेते हैं, इसमें मर्करी भरी हुई है, एक हमारे पास कोई बर्तन है जिसमें मर्करी भरा हुआ है, मर्करी भर के इसके ऊपर ऐसे अंगूठा रख के और उल्टा करके बर्तन के अंदर रख दिया, उल्टा करके बर्तन के और फिर नीचे से अंगूठे को हटा लिया। तो यानी अगर हम कुछ इस प्रकार से करें जैसा कि टोरिसेली ने किया, मर्करी को भर के इसके अंदर जब उल्टा किया तो पहले तो ये भरा हुआ था, लेकिन बाद में क्या हुआ, कुछ मर्करी नीचे की तरफ आ गया और ऊपर कुछ फ्री स्पेस बच गया, टेस्ट ट्यूब थोड़ी सी खाली हो गई। बोलो बच्चे बात समझ आई कि नहीं? यस सर। क्यों आया ये कंसेप्ट, वैसे अलग है पर थोड़ा सा बता देता हूँ। मर्करी के पार्टिकल्स आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, कोहिजन फोर्सेस बोलते हैं, उस फोर्स के इफेक्ट के अंदर आया, क्लियर हुआ। अब आप कहेंगे सर सारा क्यों नहीं आया भाई, जब ये वाला मर्करी इसके अंदर के मर्करी पार्टिकल को आपस में खींच रहा है तो ये सारा ही इसके अंदर आ जाना चाहिए, पूरी खाली हो जानी चाहिए। ये पूरी खाली इस वजह से नहीं हुई बच्चे, क्योंकि यहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है, क्या लग रहा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब इस प्रेशर के इफेक्ट की वजह से इस टेस्ट ट्यूब में जो मर्करी का लेवल है वो इस वेसल के मर्करी लेवल से ऊपर है, और उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया ही फाउंड कि ये हाइट 76 सेंटीमीटर है। हाउ मच, 76 सेंटीमीटर। टोरिसेली ने पता किया कि हाइट कितनी आई, 76 सेंटीमीटर आई। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, कि जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उसकी वजह से 76 सेंटीमीटर ऊपर है मर्करी। इसका मतलब मर्करी का 76 सेंटीमीटर कूलम जो है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर है। किसके बराबर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो 1 atm जिसे हम बोलते हैं ना बेटे, वो 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg कूलम होता है, मर्करी कूलम होता है। कोई डाउट किसी बच्चे को? नो सर। Hg यानी मर्करी के 76 सेंटीमीटर कूलम की हाइट की वजह से जो बॉटम में प्रेशर लगता है वो 1 atm प्रेशर होता है। अगर हम मर्करी लें 76 सेंटीमीटर हाइट तक, एक ग्लास ले लेते हैं उसमें 76 सेंटीमीटर हाइट तक, बड़ा हो जाएगा वैसे का 76 सेंटीमीटर हाइट तक हम क्या भर देते हैं, मर्करी भर देते हैं, क्लियर हुआ। तो फिर जब हम उसके बॉटम में प्रेशर कैलकुलेट करेंगे एच रो जी वाला फार्मूला लगा के, तो किसके बराबर आएगा बेटे, 1 atm के बराबर आएगा। किसके बराबर आएगा, 1 atm के बराबर आएगा। बोलो यार, कोई डाउट है किसी बच्चे को? तो ये टोरिसेली ने एक्सपेरिमेंट किया, इसे बोलते हैं टोरिसेली एक्सपेरिमेंट, और टोरिसेली के नाम की वजह से इस यूनिट को बोला गया टोर। और 1 टोर किसके बराबर होता है, 1 millimeter ऑफ Hg के बराबर होता है। इसका मतलब एच रो जी वाले फार्मूले में एच किस गया, अगर हम 1 millimeter लें तो जो भी प्रेशर आएगा 133 pascal उसे आप 1 टोर बोलते हैं। कोई डाउट, अगर आप बच्चों को कोई डाउट हो बेटे तो आप लोग दोबारा पूछ सकते हैं, ठीक है? ठीक है, फिर हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बायोन्सी। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, बायोन्सी या बायोन फोर्स। क्या आपने नोट कर लिया कि हमने टोरिसेली एक्सपेरिमेंट भी स्टडी किया है? मुझे लगा नहीं कि आप बच्चों ने नोट किया। बायोन्सी और बायोन फोर्स, अब ये क्या होता है बच्चों, बायोन्सी या बायोन फोर्स क्या होता है ध्यान देना है हमने। बायोन्सी या बायोन फोर्स, देखो बच्चों कि आप बच्चे नहरों में नहाए होंगे, नहर में नहाए होंगे सारे बच्चे। अदरवाइज हम खेती वाले एरिया में रहते हैं तो खेतों में आप ट्यूबवेल वाले वो आगे छोटा सा वो स्विमिंग पूल बनाया होता है वैसे हम उसको क्या बोलते हैं, देसी भाषा में क्या बोलते हैं, गड़ोई है ना, पर कोई बात नहीं, हम उसे स्विमिंग पूल बोलेंगे तो ज्यादा बेटर है। छोटा सा स्विमिंग पूल जो आपके पेरेंट्स बनाते हैं खेतों में ट्यूबवेल के आगे, उसमें तो नहाए होंगे। जब हम उसमें नहाते हैं तो आप देखते हैं कि हमारी बॉडी हल्का महसूस करती है ना, जब हम फ्लैट लेट जाते हैं पानी की सरफेस के ऊपर तो हमारी बॉडी हल्का महसूस करती है।
अगर कई बच्चों ने कभी करके देखा होगा तो नहर में कई बार बच्चे क्या करते हैं, अपनी सांस को रोक के सीधा लेट जाते हैं, तो ऊपर ऊपर तैरते रहते हैं, है ना। हमारा वेट नीचे की तरफ लग रहा होता है कि नहीं लग रहा होता, लग रहा है, तो कोई तो फोर्स है ना जो वेट को बैलेंस करके हमें ऊपर फ्लोट करवा रहा है, हमें तैर हमारी बॉडी को तैरने पर सेट करता है। बोलो बच्चे बात समझ आई कि नहीं। जो बॉडी का वेट है उसे कोई तो फोर्स बैलेंस कर रहा होगा, वो फोर्स बायोन्ट फोर्स है। वो फोर्स क्या है बच्चों? बायोन्ट फोर्स या बायोन्सी, यानी जो लिक्विड लगा रहा है। कौन लगा रहा है? लिक्विड लगा रहा है बॉडी के ऊपर, ऊपर की डायरेक्शन में। किस डायरेक्शन में? ऊपर की डायरेक्शन में। आप मान लीजिए हमारे पास एक पानी का बर्तन है, बाल्टी ले लेते हैं, टब ले लेते हैं कोई भी, ठीक है, और एक पानी की बोतल या एक प्लास्टिक वाली बॉल जिससे बच्चे खेलते हैं वो ले लेते हैं। हम उस बॉल को नीचे तक दबा देते हैं, छोड़ेंगे तो वापिस बाहर आ जाएगी। आएगी कि नहीं आएगी? आप करके देख सकते हो, बाहर आ जाएगी। वो किस फोर्स की वजह से आती है? बायोन्ट फोर्स की वजह से या बायोन्सी की वजह से। तो बायोन्सी या बायोन्ट फोर्स क्या होता है बच्चों? बायोन्सी या बायोन्ट फोर्स वो फोर्स है जो लिक्विड लगाता है कोई भी ऑब्जेक्ट के ऊपर जब वो ऑब्जेक्ट लिक्विड के अंदर होता है। इट इज द फोर्स विच एक्ट्स ऑन ए बॉडी इन साइड ए लिक्विड इन अपवर्ड डायरेक्शन, विच एक्ट्स ऑन ए बॉडी इन साइड ए लिक्विड इन अपवर्ड डायरेक्शन। बोलो बेटे बात समझ आई कि नहीं आई? तो क्या आप बायोन्सी या बायोन्ट फोर्स की डेफिनेशन लिख लेंगे? Yes, sir. Is it clear? Yes, sir. इसका पॉइंट ऑफ एक्शन क्या होता है? पॉइंट ऑफ एक्शन मतलब बायोन्सी कहां पर एक्ट करती है, किस जगह पर लगती है। जो बॉडी है जिसको आपने पानी के अंदर या किसी लिक्विड के अंदर डाला है, मान लीजिए ये बॉडी है, सॉरी ये लिक्विड है, यहां पर हमने एक बॉडी लिया, सपोज ये एक बॉडी है, इसको हम पानी के अंदर ले जा रहे हैं, ये हम पानी के अंदर ले गए, तो जहां पर बॉडी पहुंची है वहां से पानी हट गया ना। अब उस जगह पर पानी तो नहीं है ना, क्योंकि उस जगह तो वो जगह किसने ले ली? बॉडी ने ले ली। तो उस बॉडी ने वहां से लिक्विड को हटाया है, यानी डिस्प्लेस किया है। तो जो डिस्प्लेस्ड लिक्विड है, जो डिस्प्लेस्ड लिक्विड है, उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो होगा वहां से बायोन्ट फोर्स लगता है, यानी वो पॉइंट ऑफ एक्शन है बायोन्ट फोर्स का। बायोन्ट फोर्स का पॉइंट ऑफ एक्शन कौन है बेटे? सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द डिस्प्लेस्ड लिक्विड, सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द डिस्प्लेस्ड लिक्विड। बोलो बच्चे बात समझ आई कि नहीं है? Yes, sir. तो पॉइंट ऑफ एक्शन ऑफ बायोन्ट फोर्स इज सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द डिस्प्लेस्ड लिक्विड। ये पॉइंट आप बच्चों ने आप नोट कर लेना है, हिंट आप नोट कर लो और लिख लेना है ये पॉइंट आपको। क्लियर हुआ कि नहीं? आगे बढ़े। Yes, sir. ये पॉइंट लिख रहे हो? लिख लो, शाबाश। तब तक मैं नेक्स्ट टॉपिक का नाम लिख लेता हूँ। हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक क्या है? नेक्स्ट टॉपिक है आर्किमिडीज प्रिंसिपल। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? आर्किमिडीज प्रिंसिपल। आप बच्चों ने शायद 9th क्लास में भी पढ़ा हो। यस सर। तो बताओ फिर क्या होता है? आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या होता है बताएगा कोई बच्चा? बेटे ये वाली विंडो खोलो, एक या दो विंडोज ओपन कर देना। आर्किमिडीज प्रिंसिपल बस करो, आर्किमिडीज प्रिंसिपल ये होता है बेटे कि जब हम किसी बॉडी को लिक्विड के अंदर डालते हैं, जब हम किसी बॉडी को लिक्विड में डालते हैं, तो वो बॉडी वेट उसका कुछ लेस हो जाता है। वेट उसका कुछ क्या हो जाता है? लेस हो जाता है, यानी लेस वेट हो जाती है वो बॉडी। वेटलेस नहीं कहेंगे, वेटलेस मतलब जीरो वेट हो जाना, लेस वेट हो जाती है। क्या मतलब? कि अगर हम एक वेइंग मशीन रखें तो उस वेइंग मशीन की रीडिंग कम हो जाएगी अगर वेइंग मशीन अलोंग विद द बॉडी उसको लिक्विड के अंदर ले जाया जाए। क्लियर हो? क्यों? बायोन्ट फोर्स की वजह से। क्यों? बायोन्ट फोर्स की वजह से, या हटाए गए लिक्विड के वेट की वजह से। तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या कहता है कि जब किसी बॉडी को किसी लिक्विड के अंदर डुबोया जाता है पूरी तरह से या आंशिक रूप से, आंशिक मतलब पार्शियली, आधा, 75%, 60%, 20%, कितना भी डुबोया आपने बॉडी को लिक्विड के अंदर, तो उस बॉडी का वेट लेस हो जाता है। कितना लेस हो जाता है? जितना उस बॉडी ने वहां से लिक्विड हटाया उसके वेट के बराबर। जितना उस बॉडी ने वहां से लिक्विड हटाया उसके वेट के बराबर। भावना समझ आ रहा है? मान लीजिए बॉडी ने कितना भी लिक्विड का वेट हटाया, अभी अभी हमने एक एग्जांपल लिया था, ये यहां पर आपने कोई लिक्विड मान लिया, यहां पर कोई बॉडी मान ली हमने, इस बॉडी ने कितना वेट, कितना लिक्विड हटाया, ये तो पूरी तरह से डुबोई हुई है ना पानी, पूरी तरह से हमने डुबो दिया, तो कितना इसने लिक्विड हटाया, उस हटाए गए लिक्विड का जितना वेट होगा उतना वेट इसका कम हो जाएगा।
उतना वेट इसका कम हो जाएगा। मान लेते हैं इसका वेट पहले W था, इसका वेट पहले क्या था W, और बाद में हो गया W डैश, बाद में कुछ कम हो गया और कितना हो गया W डैश। W माइनस W डैश बराबर क्या होगा, वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड, वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड। क्या मेरी बात समझ आई? यस सर। ये आर्किमिडीज प्रिंसिपल की डेफिनेशन है। ये क्या है बच्चों? आर्किमिडीज प्रिंसिपल की डेफिनेशन। मेरी बात ध्यान से सुनेंगे फिर बाद में आप लिख लेंगे। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, व्हेन ए बॉडी इज इमर्स्ड, इमर्स्ड मतलब डूबोई हुई है, पार्टली कुछ हिस्सा और फुली इनसाइड अ लिक्विड, देन इट्स वेट विल रिड्यूस बाय द अमाउंट इक्वल टू वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड। इसका वेट कम हो जाएगा, और कितना कम हो जाएगा, जितना हटाए गए लिक्विड का वेट है। क्या बात समझ आ गई? ये आर्किमिडीज प्रिंसिपल की डेफिनेशन है बच्चों। ये क्या है? आर्किमिडीज प्रिंसिपल की डेफिनेशन। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, इसी डेफिनेशन को प्रूव करने की कोशिश करते हैं। ये मान लीजिए कोई वेसल है जिसमें यहां तक लिक्विड भरा हुआ है, यहां तक है, और यहां पर कोई बॉडी है, दिस इज ए बॉडी, ये x डेप्थ में है, टॉप सरफेस से लिक्विड के जस्ट ऊपर से x डिस्टेंस नीचे है, क्लियर। और ये हम मान लेते हैं आपके पास चलिए देखते हैं इनमें से कौन सी हाइट की जरूरत पड़ेगी, जिसकी जरूरत पड़ेगी वो कंसीडर कर लेंगे, h मान लेंगे, ठीक है। अब बताइए यहां पर एक प्रेशर P1 लग रहा है कि नहीं लग रहा, Yes, sir. इधर एक प्रेशर P2 लग रहा है कि नहीं लग रहा, Yes, sir. तो ये जो फोर्स यहाँ पर लग रहा है बेटे ऊपर की तरफ F2, वो कितना होगा P2 मल्टीप्लाइड बाय, अरे हाँ यार मुझे, Yes, sir. और ये P1 जो नीचे की तरफ लग रहा है यहाँ पर जो फोर्स लग रहा है F1, वो कितना होगा P1 मल्टीप्लाइड बाय A, ये वाला एरिया है ये वाला। बोलो बच्चों बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही? Yes, sir. तो अब मुझे एक बात बताएं कि ऊपर की डायरेक्शन में नेट फोर्स कितना लगेगा, F2 कितना होगा यहाँ से, What will be F2? F2 बराबर होगा बेटे P2A, F2 बराबर क्या होगा P2A, और F1 बराबर क्या होगा P1A, क्लियर। तो नेट अपवर्ड फोर्स कितना लगेगा, इन दोनों का जो बैलेंस है वो कितना आएगा, F2 माइनस F1 is equal to P2A माइनस P1A, A कॉमन ले लेते हैं आ जाएगा P2 माइनस P1, ठीक है जी। अब हमें P2 और P1 पता करना है, तो प्रेशर P1 कितना होगा बच्चों, अगर ये डिस्टेंस x है तो P1 बराबर होगा x रो जी, P1 बराबर क्या होगा x रो जी, और ये हाइट h अब हमें चाहिए, क्यों, क्योंकि यहां पर प्रेशर P2 पता करना है, तो P2 कितना होगा बच्चों h प्लस x, इसकी टोटल डेप्थ कितनी होगी बेटा h प्लस x इंटू रो इंटू जी, बोलो बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही, तो ये P2 बराबर क्या हो गया h प्लस x रो जी। अब यहां पुट कर देते हैं, तो हमारे पास F2 माइनस F1 कितना आया P2, व्हाट इज P2, x प्लस h रो जी माइनस व्हाट इज P1, x रो जी होल मल्टीप्लाइड बाय a, क्लियर है, बोर्ड पर ध्यान रखें, x को इससे साथ मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा x रो जी, फिर h को मल्टीप्लाई करें h रो जी माइनस x रो जी मल्टीप्लाइड बाय a, ये दोनों आपस में ऐड हो गए जीरो हो गए, F2 माइनस F1, तो F2 माइनस F1 इज इक्वल टू क्या आ गया बच्चों H रो जी इनटू A, यहां तक समझ आया? Yes, sir. अब ध्यान देना A क्या है बच्चों, ये वाला एरिया, yes, sir. और H क्या है इसकी हाइट, yes, sir. तो A और H क्या हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इस बॉडी का वॉल्यूम, yes, sir. इस बॉडी का वॉल्यूम V रो जी, एच की जगह मैंने क्या लिख दिया वी। अब एक बात देखो बेटा, जितना इस बॉडी का वॉल्यूम है क्या उतना ही वॉल्यूम लिक्विड का वहां से हटा है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट मास, आई एम टॉकिंग अबाउट वॉल्यूम, जितनी जगह बॉडी ने ली है लिक्विड के अंदर क्या उतनी जगह में पहले लिक्विड था, yes, इसका मतलब क्या बॉडी का वॉल्यूम हटाए गए लिक्विड के वॉल्यूम के बराबर है, यस yes, इसका मतलब ये वॉल्यूम जो बॉडी का है वही वॉल्यूम हटाए गए लिक्विड का है, और ये डेंसिटी किसकी है, ये डेंसिटी किसकी है, लिक्विड की के बॉडी की, लिक्विड की, अरे बच्चों प्रेशर लिक्विड लगा रहा है ना, हमने एच रो जी फार्मूला उसमें रो
किसकी डेंसिटी होती है? लिक्विड की। तो यहाँ पर ये किसकी डेंसिटी है? लिक्विड की। तो ये वॉल्यूम इनटू डेंसिटी बराबर हो गया मास। क्या हो गया? मास। किसका? हटाए गए लिक्विड का, इतना मास हट गया। तो इज इक्वल टू आ गया एम जी, ये हो गया एम। हियर एम इज मास ऑफ, बोलो बोलो, डिस्प्लेस्ड लिक्विड। मास ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड, जो लिक्विड आपने हटाया उसका मास, इनटू जी। तो ये क्या आ गया? वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड। तो F2 माइनस F1 बराबर क्या आया? वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड। और यही आर्किमिडीज प्रिंसिपल कहता है। आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या कहता है? कि कोई जो बॉडी है उसका वेट कितना कम हो जाएगा? हटाए गए लिक्विड के वेट के बराबर। हटाए गए लिक्विड के वेट के बराबर। बोलो बच्चे, बात समझ आई कि नहीं? यस सर। ये जो बॉडी है, इस बॉडी के ऊपर एक फोर्स F1 नीचे की तरफ लग रहा था, एक फोर्स F2 ऊपर की तरफ लग रहा था। F2 ज्यादा है F1 से, F2 ज्यादा है F1। तो इन दोनों का जो डिफरेंस आया उतना इस बॉडी का वेट कम हो जाएगा ना? यस सर। उतना ही तो कम होगा। और हमने देखा कि वो किसके बराबर आया? हटाए गए लिक्विड के वेट के बराबर। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि आर्किमिडीज प्रिंसिपल प्रूफ हो जाता है कि जब एक बॉडी किसी लिक्विड के अंदर होती है तो वो जितना लिक्विड हटाती है उसके वेट के बराबर बॉडी का वेट कम हो जाता है। हटाए गए लिक्विड के वेट के बराबर बॉडी का वेट क्या हो जाता है? कम हो जाता है। दिस इज नोन एज आर्किमिडीज प्रिंसिपल। दिस इज नोन एज आर्किमिडीज प्रिंसिपल। कोई डाउट है किसी बच्चे को? नो सर। है तो बताइए, शाबाश। कोई डाउट नहीं है? नो सर। अगला एक छोटा सा टॉपिक करवाएं या लिख रहे हो इसमें कुछ? लिख रहे हो, लिख लो, शाबाश। अब देखो बेटे, ध्यान देना कि ये जो फोर्स है, नीचे वाला फोर्स ऊपर वाले फोर्स से ज्यादा है, F2 F1 से ज्यादा है, तो इसका मतलब फोर्स ऊपर की डायरेक्शन में लग रहा है। इसे हम बोलते हैं अपथ्रस्ट। इसे क्या बोलते हैं बच्चों? अपथ्रस्ट या बायोट फोर्स, या फिर बायोट फोर्स का फार्मूला पता चल गया। बायोट फोर्स बराबर क्या होगा? वेट ऑफ द डिस्प्लेस्ड लिक्विड। बायोट फोर्स किसके बराबर होगा? वेट ऑफ द डिस्प्लेस्ड लिक्विड। अच्छा, फिर एक बात बताओ, अगर बॉडी का वेट कुछ कम हो रहा है, बॉडी का वेट कुछ कम हो रहा है, इसका मतलब जो वेट उसका अपीयर होगा, अपेरेंट वेट, वो उसके एक्चुअल वेट से कम होगा। यस सर। मान लेते हैं कि हम एक वेइंग मशीन पे, सपोज करते हैं मैं जहां खड़ा हूं नीचे एक वेइंग मशीन है, तो वो मेरा बॉडी का मास दिखाएगी ना? मेरी बॉडी का मास दिखाएगी ना? लेकिन वो मास इस वेट की वजह से है ना, इसकी रीडिंग। अगर मान लो जी ना हो, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ना हो, हम ग्रेविटी फ्री एरिया में हो, तो वो रीडिंग दिखाएगी क्या? जीरो रीडिंग दिखाएगी। क्लियर हुई बात? तो कहने का मतलब वो रीडिंग वेट की कर रही है। किसकी रीडिंग कर रही है? वेट की। अब मैं उस वेइंग मशीन के समेत मान लो पैरों के साथ बांध के उसे और पानी में कूद जाऊं, किसमें कूद जाऊं? पानी में। और पानी में जाने के बाद में वो जो मशीन है वो मेरा वेट कम दिखाएगी कि ज्यादा? क्यों? उतना ही कम दिखाएगी। क्यों? क्योंकि अब मेरी बॉडी के ऊपर पानी की वजह से बायोट फोर्स लग रहा है ऊपर की तरफ, हाँ या ना? yes, तो इसका मतलब अब जो वो वेट होगा उसकी रीडिंग में वो है अपेरेंट वेट। वो क्या बेटे? अपेरेंट वेट, यानी वो चीज जो दिख रही है और जो एक्चुअल में है वो अलग है। तो इसका मतलब अपेरेंट वेट और रियल वेट में क्या डिफरेंस होगा वो चीज और आप देख लीजिए। तो अपेरेंट वेट कितना होगा बताओ शाबाश? अपेरेंट वेट कितना होगा बॉडी का? अपेरेंट वेट विल बी इक्वल टू एक्चुअल वेट, बोलो, माइनस क्या? अपथ्रस्ट। इसमें से कितना माइनस होगा? अपथ्रस्ट। जितना ऊपर की तरफ बायोट फोर्स वगैरह वही तो माइनस होगा बस। यस सर। तो बॉडी का एक्चुअल वेट क्या होगा? बॉडी का एक्चुअल वेट क्या होगा? बॉडी का मास मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्लियर हुआ? यस सर। और अपथ्रस्ट कितना होगा? हटाए गए लिक्विड का मास मल्टीप्लाइड बाय, हाँ या ना? बोलो। yes, sir. इसे आप एम बी और एम एल कह देते हैं, बॉडी का मास लिक्विड का मास जो घटाया है। तो ये आपके पास अपेरेंट वेट हो गया। तो अपेरेंट वेट विल बी इक्वल टू ये बॉडी का मास कितना होगा बच्चे? बॉडी का वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय बॉडी की डेंसिटी, आप इसे कह लो डेंसिटी ऑफ बॉडी मल्टीप्लाइड बाई जी। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? माइनस लिक्विड का मास कितना? जितनी बड़ी बॉडी का वॉल्यूम है उतना ही तो लिक्विड का वॉल्यूम घटेगा। yes, लेकिन लिक्विड की डेंसिटी अलग है बॉडी से, मल्टीप्लाइड बाय जी। तो ये अपेरेंट वेट आ गया बच्चों।
ये क्या आ गया? Apparent तो अपेरेंट वेट कितना होगा? एक्चुअल वेट माइनस अपथ्रस्ट, एक्चुअल वेट माइनस अपथ्रस्ट। इसमें से क्या चीज कॉमन ले ले हम? बी और जी। अंदर क्या आ जाएगा बच्चों? बॉडी की डेंसिटी माइनस लिक्विड की डेंसिटी। बॉडी की डेंसिटी माइनस लिक्विड। बताओ कोई दिक्कत है किसी बच्चे को? एनी डाउट? नो सर। ठीक है जी। अब कितना वेट कम हो गया? कितना वेट कम हो गया? यानी फ्रैक्शनल वेट की अगर हम बात करें यहां से, तो आपको वो भी मिल सकता है। अगर हम किसकी बात करें? फ्रैक्शनल वेट की बात करें, तो वो भी मिल सकता है। लेकिन इसके साथ साथ हम एक और तरीके से भी इस फार्मूले को लिख सकते हैं। वन मोर मेथड इज अपेरेंट वेट इज इक्वल टू, हाँ जी बच्चों, वी इंटू जी इंटू, ये जो बॉडी की डेंसिटी है, इसे अगर मैं एक बार कॉमन ले लूं बाहर, तो यहां पर क्या आ जाएगा? यहां क्या बच जाएगा? वन माइनस, यहाँ बॉडी की डेंसिटी थी नहीं, तो हम क्या कर देते हैं? बॉडी की डेंसिटी से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं। कोई दिक्कत? तो मल्टीप्लाई वाला तो बाहर आ गया और डिवाइड वाला बच गया, तो डेंसिटी ऑफ लिक्विड डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ बॉडी। अब ये क्या आ गया बच्चों? अपेरेंट वेट इक्वल टू, ये क्या है? एक्चुअल वेट। ये क्या है? एक्चुअल वेट इंटू वन माइनस डेंसिटी ऑफ लिक्विड बाय डेंसिटी ऑफ बॉडी। ये फार्मूला आ गया अपेरेंट वेट। This is the formula of apparent weight. Body का actual weight into one minus liquid की density divided by body की density. क्या कोई दिक्कत है किसी बच्चे को? समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? सिंपल है कि मुश्किल है? सिंपल है। ठीक है बेटे? ठीक है जी। तो ये आपके पास हो गया apparent weight. Open tube manometer हमने कल कर लिया था। अब हम एक छोटा सा यहीं से एक और रिलेटेड टॉपिक कर लेते हैं, लॉ ऑफ फ्लोटेशन। लॉ ऑफ फ्लोटेशन, कोई बॉडी तैरती कब है और डूबती कब है? कोई बॉडी तैरेगी कब? और ये लिख लिया था कि तो मैं साफ कर रहा हूं। यस सर। कोई बॉडी लिक्विड में डालने पर तैरेगी कब या डूबेगी कब? कुछ बॉडी तैरती रहती है, कुछ डूब जाती है। हाँ या ना बोलो? यस सर। जैसे सुई डालेंगे हम, सुई तो जानते ही है, और कुछ भी बोल सकते हैं क्या? नीडल बोल सकते हैं। एक नीडल हमने पानी में डाला, डूबेगी कि तैरेगी? डूबेगी। ज्यादातर कंडीशन में, एक आधी कंडीशन में तैरती भी है, वो हम बाद में कभी डिस्कस करेंगे। नहीं देखा आपने? सुई तैर भी सकती है, लेकिन उसमें सरफेस टेंशन का कंसेप्ट काम आता है, वो बाद की बात है। ठीक है, तो हम बात क्या कर रहे थे? डूबेगी कब और तैरेगी कब। तो नीडल तो डूब जाएगी, और पानी का, पानी में तैरने वाला जो जहाज है वो कितना बड़ा होता है? वो तैरता रहता है। अजीब बात नहीं है, एक बॉडी जिसका मास मुश्किल से एक आधा ग्राम में ही होगा वो डूब रही है, और एक बॉडी जिसका मास टन्स में होता है, मतलब हजारों लाखों किलोग्राम्स में होता है, वो तैरती रहती है। हाउ इट इज पॉसिबल? तो वो हम यहां से देखेंगे लॉ ऑफ फ्लोटेशन से। क्लियर हुआ बच्चे? यस सर। मान लीजिए कि ये हमारे पास कोई एक लिक्विड कूलम है। क्या है? कोई एक लिक्विड कूलम। ठीक है, इसमें एक बॉडी डूब जाती है, एक बॉडी है जो तैरती रहती है, और एक बॉडी है जो पार्शियली फ्लोट करती है, मतलब पार्शियल वॉल्यूम के साथ फ्लोट करती है। उसका कुछ भाग लिक्विड से बाहर तैरता है, कुछ भाग लिक्विड के अंदर रहता है। इज इट क्लियर? ये तीन प्रकार की कंडीशंस हमारे पास होती हैं। इज इट फाइन? यस सर। अगर हम ये लिक्विड की डेंसिटी को मान लें रो एल, लिक्विड की डेंसिटी को क्या मान लें? रो एल। और इसकी डेंसिटी को मान लें रो बी, इसकी डेंसिटी को क्या मान ले? रो बी, यानी बॉडी की डेंसिटी। क्लियर हो बच्चे? तो जो बॉडी का वेट है, जो बॉडी का वेट है, अगर इसका वेट W है, बॉडी वेट क्या मान लेते हैं? W। और हटाए गए लिक्विड का वेट कुछ भी और सपोज कर लेते हैं, यानी अपथ्रस्ट U। अब ध्यान देना, इसमें तीन केस बनते हैं बच्चे। केस वन, अगर बॉडी का वेट अपथ्रस्ट से ज्यादा हो, बॉडी का वेट अपथ्रस्ट से ज्यादा हो, बॉडी विल सिंक, बॉडी विल सिंक, तो बॉडी डूब जाएगी। ठीक है, केस टू, अगर बॉडी का वेट अपथ्रस्ट के बराबर हो तो बॉडी तैरती रहती है, बॉडी विल फ्लोट, विल फ्लोट टोटली सबमर्ज, टोटली सबमर्ज, यानी वॉल्यूम उसका सारा लिक्विड में होगा लेकिन तैरेगी, डूबेगी नहीं। ठीक है, और तीसरा केस इसमें होता है बच्चों कि अगर वेट कम हो, थ्रस्ट ज्यादा हो, वेट कम हो
अब थ्रस्ट जाता हो तो बॉडी हवा में तो जाएगी नहीं, तो उसका वॉल्यूम जो है वो बाहर रहेगा लेकिन ऊपर तैरती रहेगी, यानी बॉडी विल फ्लोट पार्शियली सबमर्ज्ड, विल फ्लोट पार्शियली सबमर्ज्ड, सबमर्ज्ड मतलब डूबी हुई पानी में या लिक्विड जो भी है। कोई दिक्कत किसी बच्चे को? नो सर। हाँ जी बच्चे, कोई दिक्कत किसी को? नो सर। अब ऐसा कब होता है, वेट जो है वो इससे ज्यादा कब होगा, कम कब होगा, ये भी तो हमें देखना है। हाँ या ना? Yes, अच्छा बताओ, वेट जो बॉडी का वेट है वो क्या होगा बच्चों? अभी अभी हमने बात करी थी वी डेंसिटी ऑफ बॉडी इनटू जी, हाँ या ना? Yes, sir. और अब थ्रस्ट कितना होगा? वी डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू जी। हमने कहा कि ये वाला इससे ज्यादा है, वी जी तो दोनों बराबर है, कैंसिल हो गए। इसका मतलब जब बॉडी की डेंसिटी लिक्विड की डेंसिटी से ज्यादा होगी तब डूब जाएगी। बॉडी अगर ऐसे मटेरियल से बनी हुई है जिसकी डेंसिटी लिक्विड की डेंसिटी से ज्यादा है, बॉडी डूब जाएगी, कोई मतलब नहीं उसका मास कितना है। क्या मास आ रहा है इसमें कहीं? इसका मतलब चाहे सुई हो चाहे जहाज हो, मास का कोई रिलेशन नहीं है। रिलेशन किस बात का है? डेंसिटी का। रिलेशन किस बात का है? डेंसिटी का। जो बॉडी है, जो भी बॉडी है, चाहे हम है, हम तैर रहे हैं, हम तैरेंगे कब और डूबेंगे कब, अगर हालांकि अगर हमारी सेंस खत्म कर दी जाए, सोचने की शक्ति खत्म कर दी जाए और उठा के पानी में फेंक दिया जाए, तो हम डूबेंगे कि तैरेंगे इस बात पर डिपेंड करेगा कि हमारी बॉडी की डेंसिटी लिक्विड की डेंसिटी से ज्यादा है कि कम है। लाश को तैरते हुए तो देखा ही होगा। yes, असली yes, में नहीं तो फिल्मों में तो देखा ही होगा, असली में तो भगवान ना करे कि दिखाए ऐसा कुछ, फिल्मों में तो देखा ही होगा ना। yes, पानी में तैरती रहती है ना डेड बॉडी, क्यों तैरती है? अच्छा जिंदा होता है वो डूब जाता है, जिंदा डूब जाता है, मरने के बाद में तैरता रहता है, क्या डेंसिटी चेंज हो जाती है मरने के बाद में? ऐसा तो कुछ नहीं है, है ना? वो हम धक्के से डूब जाते हैं हमारी सेंसेस की वजह से। अगर हम अपनी सेंसेस को आराम दें, दिमाग को रेस्ट दें, तो आप तैर सकते हैं आराम से, कोई इशू नहीं है। क्लियर? बात होती है सिर्फ और सिर्फ डेंसिटी की। अगर बॉडी की डेंसिटी ज्यादा है, लिक्विड की डेंसिटी कम है, तो बॉडी तो बच्चों बोलो भाई डूब जाएगी। अगर बॉडी की डेंसिटी और लिक्विड की डेंसिटी बराबर है तो बॉडी तैरती रहती है, पूरा वॉल्यूम अंदर रहता है। ये केस कौन सा है? बर्फ वाला केस है। बर्फ फ्रिज में से निकाल के पानी में डाल देना, तैरती रहेगी और पूरा का पूरा पानी में डूबा हुआ भी रहेगा, मतलब नीचे नहीं आएगा, ऊपर तैरता रहेगा, अपर सरफेस आपको बिल्कुल इसके पैरेलल होगा। क्लियर हुआ? Yes, sir. और अगर डेंसिटी लिक्विड की ज्यादा है और बॉडी की कम है, तो बॉडी का कुछ पार्ट जो है वो लिक्विड से बाहर रहेगा। बोलो बच्चों, कोई दिक्कत किसी को? एनी डाउट टू एनीबॉडी? तो ये था हमारे पास कि लॉ ऑफ फ्लोटेशन। क्या ये लॉ ऑफ फ्लोटेशन? तो बॉडी फ्लोट कब करती है? लॉ ऑफ फ्लोटेशन ये बताता है, हमें ये वाली दो बातें बताता है। बॉडी विल फ्लोट इफ डेंसिटी ऑफ बॉडी आइदर लेस देन और इक्वल टू डेंसिटी ऑफ लिक्विड। लिक्विड की डेंसिटी के बराबर है तब भी तैरेगी, और अगर लिक्विड की डेंसिटी ज्यादा है तब भी तैरेगी। ये है लॉ ऑफ फ्लोटेशन। कोई दिक्कत है बच्चे किसी को? एनी डाउट एनीबडी? लॉ ऑफ फ्लोटेशन की डेफिनेशन लिख लोगे? यस सर। ठीक है जी। अब एक बात इसमें हम और पता कर सकते हैं कि बॉडी का कितना वॉल्यूम बाहर हो, कितना अंदर हो, हाउ मच सबमर्ज्ड, पार्शियल सबमर्ज्ड हमने कहा, तो कितना वॉल्यूम अंदर होगा बॉडी का या कितना वॉल्यूम बाहर होगा, हम इसके बारे में भी जानकारी ले सकते हैं। क्लियर हुआ? अच्छा एक बात बताओ, बॉडी कब तैरती है? बॉडी कब तैरती है? जब W बराबर U होता है, जब W बराबर U होता है। ठीक है, तो यानी वेट ऑफ द बॉडी इज इक्वल टू वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड, वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड। क्लियर हुआ बच्चों? अब ये दोनों केस की बात हम कर लेते हैं इसी में। बॉडी का वेट कितना है? V डेंसिटी ऑफ बॉडी इंटू जी बराबर। मान लेते हैं कि पूरी की पूरी बॉडी नहीं डूबी, पार्शियली डूबी है, पार्शियल वाली की तो बात करना चाह रहे हैं। पूरी की पूरी बॉडी नहीं डूबी, कुछ पार्ट डूब गया, कुछ पार्ट बाहर है। क्लियर? तो इसका मतलब जो बॉडी ने लिक्विड हटाया, इसका इतना इतना वॉल्यूम तो बाहर ही है, तो सिर्फ इतना ही तो लिक्विड हटाया उसने। Yes, तो कहने का मतलब लिक्विड के हटाए गए लिक्विड का वॉल्यूम बॉडी के वॉल्यूम से अलग है, हाँ या ना? Yes, तो हमने कहा V डैश
अलग वॉल्यूम ले लिया, डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू जी से जी कैंसर, क्लियर हुआ? तो ये आपके पास आ जाएगा जी वॉल्यूम ऑफ बॉडी डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड, बराबर क्या आ जाएगा बच्चों? लिक्विड की डेंसिटी डिवाइडेड बाय बॉडी की डेंसिटी, लिक्विड डेंसिटी डिवाइडेड बाय बॉडी की डेंसिटी। अगर हमें ये दोनों डेंसिटी पता है, अगर हमें ये दोनों डेंसिटी पता है और बॉडी का वॉल्यूम तो हमें पता ही है, बॉडी का वॉल्यूम जो बॉडी अंदर डालेंगे उसका लंबाई चौड़ाई ऊंचाई पता होगी तो वॉल्यूम भी पता होगा ना बेटे, ये हमें पहले से पता है। और अगर ये दोनों डेंसिटी पता है तो हम ये बता सकते हैं उसने कितना लिक्विड वॉल्यूम का कितना सॉरी लिक्विड का कितना वॉल्यूम हटाया, जितना हटाया उसमें जो बच गया वो आपके पास बाहर है और जितना हटाया वो अंदर है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? Yes, तो ये हमने जानना है यहाँ पे कि कितना पोर्शन जो है वो बॉडी का डूबा हुआ रहेगा। तो ये बात हमने यहाँ पर कर ली। अब तक हमने जो पढ़ा प्यारे विद्यार्थियों ये था लिक्विड एट रेस्ट, लिक्विड एट रेस्ट यानी हम कह सकते हैं कि जब लिक्विड फ्लो नहीं करे तब के सारे केस हमने स्टडी कर लिए, लगभग लगभग मेरे को जहां तक ध्यान आ रहा है शायद ही कोई चीज ऐसी होगी जो हमने छोड़ी हो। क्लियर हो? Yes, sir. अब हम बात करेंगे लिक्विड इन मोशन, लिक्विड ही नहीं फ्लूड, फ्लूड इन मोशन। तो जब हमने ये चैप्टर शुरू किया था तब मैंने आपको बताया था कि इसकी दो ब्रांचेज हैं, फ्लूड स्टैटिक्स एंड फ्लूड डायनामिक्स। फ्लूड स्टैटिक्स का काम खत्म, अब फ्लूड डायनामिक्स का काम शुरू। क्लियर हुआ? फ्लूड डायनामिक्स मींस फ्लूड्स इन मोशन। तो सबसे पहला टॉपिक फ्लूड्स इन मोशन में हम जो स्टडी करने वाले हैं वो है बच्चों विस्कोसिटी। सबसे पहला क्या स्टडी करने वाले हैं? विस्कोसिटी। क्लियर हुआ? पढ़े विस्कोसिटी क्या होता है कोई बच्चा बता सकता है? व्हाट इज विस्कोसिटी? विस्कोसिटी नॉर्मली अगर मैं तुम बच्चों को समझाना चाहूं हमारे रूटीन लाइफ से जोड़कर तो विस्कोसिटी का मतलब है किसी लिक्विड का गाढ़ापन से जुड़ी हुई बात, किसी लिक्विड के गाढ़ेपन से। यानी जो शहद है वो पानी से ज्यादा विस्कस है, शहद है वो पानी से ज्यादा विस्कस है। सॉस, सॉस खाते होंगे आप फास्ट फूड के साथ, वैसे तो आप गाँव में रहने वाले बच्चे हो तो फास्ट फूड हम कम ही खाते हैं है ना, लेकिन आजकल गाँव में भी फास्ट फूड भरपूर मात्रा में मिलने लगा है, वैसे तो आपको अवॉइड करना चाहिए लेकिन जब कभी भी आप फास्ट फूड खाते हैं सॉस की बोतल को हम उल्टा कर देते हैं फिर भी सॉस बड़ा मुश्किल से बाहर निकलता है, उसी की अगर पानी की बोतल हो उल्टा करने पर फटाफट से बाहर आ जाएगा, है ना? Yes, sir. Yes, or no? Yes, sir. क्योंकि जो सॉस है वो ज्यादा विस्कस है। सॉस क्या है बच्चों? ज्यादा विस्कस। तो चलो अब इन दो एग्जाम्पल्स के साथ में तुम बच्चों को विस्कोसिटी का मीनिंग समझाता हूँ। लिक्विड जो है ना बच्चे जब चलता है जब फ्लो करता है तो वो एज ए कंप्लीट बॉडी फ्लो नहीं करता, एज ए कंप्लीट बॉडी फ्लो नहीं करता। जैसे मान लीजिए टेबल है, टेबल हम खिसकाएंगे तो पूरी की पूरी टेबल एक साथ खिसकेगी, कैसे है कि उसके चारों पैर अलग अलग खिसकेंगे और ऊपर वाली बॉडी अलग जाएगी, ऐसा तो नहीं होता। लेकिन लिक्विड में ऐसा होता है। लिक्विड में क्या होता है मान लीजिए कि ये जो टेबल जितनी जगह है उतनी जगह में पानी भरा हुआ है और वो पानी फ्लो कर रहा है, पानी क्या कर रहा है? तो हम देखते हैं कि पानी जो है वो अलग अलग लेयर्स में फ्लो करता है और इसमें खास बात यह है कि सबसे ऊपर वाली लेयर सबसे फास्ट मूव करती है, सबसे नीचे वाली लेयर स्लो मूव करती है और बिल्कुल जीरो वाली जो लेयर है वो मूव ही नहीं करती। आइडियल लिक्विड की अगर बात करें तो बॉटम मोस्ट जो लेयर है इसकी वेलोसिटी जीरो होती है, इसकी वेलोसिटी क्या होती है? जीरो। जीरो। और टॉप मोस्ट जो लेयर है उसकी वेलोसिटी मैक्सिमम होती है, उसकी वेलोसिटी क्या होती है बच्चों? मैक्सिमम। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं आप बच्चों को कि लिक्विड डज नॉट फ्लो एज ए होल बॉडी, लिक्विड डज नॉट फ्लो एज ए होल बॉडी, इट फ्लोज इन लेयर्स, इट फ्लोज इन लेयर्स। और क्योंकि ये लेयर्स में चलता है तो जो दोनों लेयर है ध्यान देना बच्चे, ये वाली लेयर पीछे रह रही है, ये वाली लेयर आगे जा रही है, तो जो आगे जा रही है वो क्या कोशिश करेगी कि दूसरे वाली को भी आगे खींच ले और जो पीछे रह रही है वो क्या कोशिश करेगी जो आगे जा रही है उसे पीछे खींच ले, हाँ या ना बोलो? इस वजह से यानी कोहिजन फोर्सेस की वजह से यानी इंटर मोलिक्यूलर फोर्सेस की वजह से यानी मोलिक्यूल मोलिक्यूल के बीच में लगने वाले अट्रैक्शन फोर्स की वजह से लिक्विड जो लेयर्स में मूव कर रहा है तो दो लेयर्स एक दूसरे के रिलेटिव मोशन को अपोज करती है, एक दूसरे के रिलेटिव मोशन को क्या करती है? अपोज करती है।
ठीक वैसे ही जैसे कि फ्रिक्शन अपोज करती है किसी रिजिड बॉडी के मोशन को। जब हम चलते हैं दो बॉडीज एक दूसरे के साथ कॉन्टेक्ट बना के चलती है तो रिलेटिव मोशन को फ्रिक्शन अपोज करता है ना बच्चों। वैसे ही लिक्विड में विस्कोसिटी जो है, हम ये कह सकते हैं कि विस्कोसिटी लिक्विड्स का फ्रिक्शन है। विस्कोसिटी लिक्विड्स का क्या है? फ्रिक्शन है। यानी लिक्विड जो लेयर्स में मूव करता है, लेयर्स के बीच के रिलेटिव मोशन को विस्कोसिटी अपोज करती है। लेयर्स के बीच के रिलेटिव मोशन को विस्कोसिटी अपोज करती है। तो व्हाट इज विस्कोसिटी? इट इज एन अपोजिंग फोर्स विच कम्स इनटू प्ले व्हेन देयर इज रिलेटिव मोशन बिटवीन टू लेयर्स ऑफ लिक्विड। When there is relative motion between two layers of a liquid. बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत है किसी बच्चों? No, क्या विस्कोसिटी की डेफिनेशन लिख लोगे? Yes, एक्चुअल में विस्कोसिटी वो प्रॉपर्टी है, वो गुण है जिसकी वजह से ऐसा होता है, और इस ओपोजिशन ओपोजिंग फोर्स को हम विस्कस फोर्स कहते हैं। बेटे विस्कोसिटी तो वो गुण है जिसकी वजह से लिक्विड अपोज करता है, और इस जो अपोजिंग फोर्स है उसे हम कहते हैं विस्कस फोर्स। इसे विस्कस ड्रैग भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विस्कस ड्रैग। बोलो यहाँ तक किसी बच्चे को कोई डाउट है? नो सर। आर यू श्योर? यस सर। थोड़ा सा और आगे बढ़े। यस सर। हमने विस्कोसिटी की डेफिनेशन पढ़ी और विस्कोसिटी का कॉज पढ़ा। क्या क्या पढ़ा? विस्कोसिटी की डेफिनेशन और कॉज। अब आप बच्चों को मैं एक बात बताऊं, क्या कोई ऐसा एग्जाम्पल हमें रूटीन लाइफ में देखने को मिलता है जिससे हमें आइडिया लगे कि विस्कोसिटी है, या फिर सिर्फ हम ऐसी थ्योरी में बात कर रहे हैं कि चलो सर ने चार बातें बना के बता दी और मान लेते हैं है? क्या कोई एग्जाम्पल भी है? देखो मान लीजिए कि हमारे पास एक बीकर है, बीकर है ना, या बड़ा जग मान लेते हैं कोई, या जिसमें हम चाय बनाते हैं ऐसा कुछ बर्तन मान लेते हैं। उस बर्तन के अंदर हम एक चम्मच लेके या कोई भी पेन पेंसिल लेके और ऐसे पानी को घुमाते हैं, गोल गोल घुमाया, घुमाने के बाद छोड़ दिया, थोड़ी देर बाद क्या होगा? रुक जाएगा। क्यों रुकेगा? विस्कोसिटी की वजह से। अगर कोई बॉडी कोई पार्टिकल चल रहा है, न्यूटन का पहला नियम आप बच्चों ने पढ़ा होगा, वो तब तक नहीं रुकेगा जब तक रोकने के लिए फोर्स ना लगाया जाए, हाँ या ना बोलो? Yes, sir. उसी प्रकार लिक्विड पार्टिकल जो रोटेशनल मोशन में है या रिवॉल्व कर रहा है किसी एक्सिस के अबाउट, वो क्यों नहीं, क्यों रुकेगा भाई? कोई तो अपोजिंग फोर्स वहां काम करना चाहिए ना। Yes, वो अपोजिंग फोर्स कौन है? विस्कोसिटी है। बोलो बात समझ आई कि नहीं? और यहां से आप ये भी पता लगा सकते हैं कि लिक्विड है वो लेयर्स में मूव करता है। आप क्या करो, उसको घुमाओगे तो आप देखेंगे कि सबसे आउटर मोस्ट जो लिक्विड है वो अलग स्पीड से मूव करेगा और सेंटर वाला अलग स्पीड से मूव करेगा। एक बड़ा बर्तन लेके उसमें पानी डाल के और कागज के दो तीन छोटे छोटे टुकड़े एक सेंटर में रख दें, एक थोड़ा दूर रख दें, एक थोड़ा दूर रख दें, बहुत दूर रख दें, और फिर लिक्विड को घुमाएं, देखें कि सारे टुकड़े अलग अलग स्पीड से मूव करेंगे। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? इससे हमें ये पता चलता है कि लिक्विड जो है वो लेयर्स में मूव करता है और हर एक लेयर अलग स्पीड से चलती है, हर एक लेयर अलग स्पीड से चलती है। हमने हॉरिजॉन्टली चलते हुए लिक्विड की यहाँ पर बात करी है। इसमें टॉप मोस्ट लेयर फास्टेस्ट मूव करेगी, बॉटम मोस्ट लेयर जीरो स्पीड, बॉटम मोस्ट लेयर जीरो स्पीड। इसके कई प्रैक्टिकल एग्जांपल, जब नहर में नहाने वाली बात मेरे को बार बार क्यों याद आती है, मैंने काफी बार ऐसा किया है। वैसे ये सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत खतरा है, और आजकल गवर्नमेंट की तरफ से बैन लगा दिया गया है, तो कृपया करके कोई बच्चा मोटिवेट होकर नहर में नहाने के लिए नहीं जाना। लेकिन जिन लोगों ने आज से पहले ऐसा किया है उनकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि जब आप नहर में चलते हैं, कई बार बच्चे क्या करते हैं, जिधर से पानी आ रहा है रिवर करंट जो है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में हम चलने की कोशिश करते हैं। तो आपने देखा होगा, मान लेते हैं कि इधर सामने से पानी आ रहा है और मैं पानी के उल्टा चलने की कोशिश कर रहा हूं, तो एक तो मैं ऐसे क्लास में पढ़ा रहा हूं ऐसे सीधा चल रहा हूं, ऐसे ही चलते हैं क्या वहां भी? वहां ऐसे नहीं चलते ना, वहां ऐसे झुक के चलते हैं आगे की तरफ, ये सर रहा हूं ऐसे ही चलते हैं ना, ऐसे आगे की तरफ चलते हैं, पैर हमारे पीछे की तरफ होते हैं, अपर बॉडी आगे की तरफ होती है। क्यों? क्योंकि ऊपर वाली लेयर फास्टेस्ट मूव कर रही है, हमारी बॉडी को उससे सबसे ज्यादा ओपोजिशन मिल रहा है, और आप देखें कि पैरों को बिल्कुल बहुत ही कम ओपोजिशन का सामना करना पड़ता है, तो पैर आराम से वहां चल सकते हैं। क्या मेरी बात समझ रही सब बच्चों? तो ये सब विस्कोसिटी है बच्चे। ये क्या है? विस्कोसिटी। विस्कोसिटी की जो नॉलेज है वो हमारी रूटीन लाइफ में बहुत जगह काम आती है। जैसे कि हमारी बॉडी में आर्टरीज, वेन्स, इनके अंदर से ब्लड फ्लो करता है पूरी बॉडी के अंदर, हाँ या ना बताओ बच्चों? ठीक है। हार्ट अटैक होता है ना, हार्ट अटैक क्यों होता है? आपने देखा होगा, कई बार सुना होगा कि हार्ट अटैक ब्लड के गाढ़ा होने की वजह से होता है। ब्लड के अंदर ब्लड अगर गाढ़ा हो जाए तो उसे पंप करने के लिए हार्ट को ज्यादा काम करना पड़ता है, और कई बार हार्ट ऐसा नहीं कर पाता तो हार्ट अटैक हो जाता है। इज इट क्लियर? अब वो गाढ़ा होने का मतलब क्या है? विस्कोसिटी का बढ़ जाना, ब्लड की विस्कोसिटी का बढ़ जाना, दैट इज गाढ़ापन।
क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, उसके कारण क्या है वो अलग बात है, उसके अंदर हमें नहीं जाना चाहिए, वो बायोलॉजी का काम है। तो बायो वाले बच्चे देखें क्या कारण है, कैसे बचा जा सकता है, बचने के बड़े तरीके हैं, ठीक है। तो चलिए वो भी आप अच्छे से पढ़ना, मुझे उम्मीद है आप पढ़ेंगे कि विस्कोसिटी क्यों बढ़ती है ब्लड की पता लगाना। ओके, तो एक तो ये हो गया। दूसरा, जो मशीन्स हैं, मशीन्स में जब वियर टियर आ जाता है तो हम उसको ऑयल देते हैं, तो ऑयल कौन सा देना चाहिए, उसकी विस्कोसिटी कम होनी चाहिए कि ज्यादा होनी चाहिए, नॉलेज का प्रॉपर होना जरूरी है। जैसे ट्रेन होती है, ट्रेन के जो दो बॉक्स हैं वो आपस में जुड़े होते हैं बफर्स की हेल्प से, किसकी हेल्प से, बफर्स की हेल्प से। तो वहां पर क्या होता है, दो साइलेंड्रिकल शेप की बॉडीज, जैसे मान लो एक ये पाइप है और एक ये पाइप है, ऐसे जुड़े हुए हैं। क्लियर हुआ, ठीक है। तो जब ट्रेन का ब्रेक लगता है तो ये वाला पोर्शन इसके अंदर मूव करता है लाइक दिस, जैसे ये बाहर से अंदर की तरफ जा रहे हैं। क्लियर हुआ, तो इन दोनों के बीच में ऑयल भरा होता है बेटे, इनकंप्रेसिबल फ्लूड भरा होता है, तो वो ज्यादा विस्कोसिटी वाला होता है, ज्यादा विस्कोसिटी वाला होता है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, तो विस्कोसिटी की जो नॉलेज है वो हमें बहुत सारे कंसेप्ट को समझने में और उसकी हेल्प लेकर हमारी टेक्नोलॉजी को डेवलप करने में मदद करते हैं। तो ये था विस्कोसिटी के बारे में एक जनरल इंट्रोडक्शन। अब मैं थोड़ा सा आगे बढ़ना चाहूंगा, बताओ कोई दिक्कत तो नहीं है? अगर आप बच्चों को लग रहा है कि ज्यादा हो गया तो फिर हम बंद कर देते हैं, और लग रहा है कि नहीं सर थोड़ा और कर लेते हैं तो फिर हम कर लेते हैं, बताइए सर थोड़ा और। चलो एक टॉपिक हम और डिस्कस करते हैं, छोटा सा ही है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की बात करेंगे हम। किसकी बात करेंगे बच्चों? कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की। अब देखो हमारे पास जो लिक्विड है, अभी मैंने आपको कहा लेयर्स में मूव करता है, अगर ये रेफरेंस पॉइंट है, जीरो लेवल है हमारा, और यहां पर एक कोई लेयर है जो एक्स डिस्टेंस पर है, कितने डिस्टेंस पर है, और इस डायरेक्शन में वी वेलोसिटी से मूव कर रही है, कितनी वेलोसिटी से मूव कर रही है, अगर इससे एक लेयर ऊपर dx डिस्टेंस ऊपर हमें एक और लेयर मान लेते हैं, कितना डिस्टेंस ऊपर, dx डिस्टेंस, तो इसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी कि कम, ज्यादा, हमने मान लिया v प्लस dv होगी, v प्लस dv। तो बॉडी की वेलोसिटी में चेंज कितना आया, सॉरी बॉडी नहीं, लिक्विड लेयर की वेलोसिटी में चेंज कितना आया, dv के बराबर, कितनी डिस्टेंस में, dx डिस्टेंस में, तो टोटल चेंज आया dv, कितना डिस्टेंस, dx, तो dv by dx, इसे बोलते हैं बच्चों वेलोसिटी ग्रेडियंट। क्या बोलते हैं, वेलोसिटी ग्रेडियंट। वेलोसिटी ग्रेडियंट है वेलोसिटी में चेंज पर यूनिट डिस्टेंस, वेलोसिटी में चेंज पर यूनिट डिस्टेंस। बोलो कोई डाउट है किसी बच्चे को? नो सर। अब ये जब लिक्विड मूव करता है हमसे, तो हमारा टॉपिक मैं यहां पर नाम मेंशन करता हूं, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। जब लिक्विड मूव करता है, लेयर्स में चलता है, तो जो विस्कस फोर्स लगेगा, क्या लगेगा, विस्कस फोर्स पता चल गया ना क्या होता है, yes, जो विस्कस फोर्स लगेगा तो वो इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, वो इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। क्या मतलब, मतलब ये कि डिस्टेंस के साथ वेलोसिटी में चेंज अगर ज्यादा आया, डिस्टेंस के साथ वेलोसिटी में चेंज अगर ज्यादा आया, इस चीज के ज्यादा होने का मीनिंग बता रहा हूं, इस चीज के ज्यादा होने का मतलब डीवी का ज्यादा होना या डीएक्स का कम होना, क्लियर। अगर डीएक्स हम फिक्स कर दें भाई इतना ही डिस्टेंस चेंज करा, तो वेलोसिटी में अगर बदलाव ज्यादा हो रहा है इसका मतलब विस्कोसिटी ज्यादा होगी, विस्कस फोर्स ज्यादा होगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, नंबर दो बात। दूसरी बात ये कि ये जो लेयर है, सपोज करते हैं कि ये वाटर लेयर है और दूसरी ये वाली वाटर लेयर है, तो ये एरिया है ए, तो जितना एरिया दोनों का एक दूसरे के कॉन्टेक्ट में होगा, दो लेयर्स का जितना एरिया एक दूसरे के कॉन्टेक्ट में होगा, विस्कस फोर्स भी उतना ही ज्यादा होगा, यानी विस्कस फोर्स एरिया इन कॉन्टेक्ट के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, एरिया इन कॉन्टेक्ट। तो हम कहेंगे कि विस्कस फोर्स इज नंबर वन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया इन कॉन्टेक्ट ऑफ टू लेयर्स, एरिया इन कॉन्टेक्ट ऑफ टू लेयर्स, दैट इज मैथमेटिकली लिख सकते हैं एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए, हाँ या ना? Yes, sir. और दूसरा पॉइंट कि ये जो विस्कस फोर्स है दैट इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी ग्रेडियंट ऑफ द लिक्विड, वेलोसिटी ग्रेडियंट ऑफ द लिक्विड, यानी जो लिक्विड है उसमें पर यूनिट डिस्टेंस के साथ वेलोसिटी में बदलाव कितना आ रहा है, फोर्स इसके भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। बोलो कोई दिक्कत? नो सर। और जब ये दोनों के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो हम इन दोनों को इकट्ठा करके लिख दें,
Yes, F directly proportional to A dV by dx. कोई दिक्कत? No sir. ठीक है जी. जब हम ये proportionality हटाएंगे, तो क्या लगेगा एक? Constant. तो वो constant लग जाएगा बेटे नीटा. क्या constant लग गया? नीटा. नीटा इसे pronounce किया जाता है. थोड़ा स्टाइल मार के लिखा जाता है तुम्हें. ठीक. और माइनस साइन भी मैंने यहाँ लगाया है. दो चीजें करी मैंने. एक तो कांस्टेंट लगाया, एक माइनस. पहले तो हम बताते हैं ये कांस्टेंट कौन है. हियर नीटा इज कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी. नीटा इज अ कोएफिशिएंट. और जिस कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की हम बात कर रहे थे, दैट इज ए प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट. दैट इज ए प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट. ये लिक्विड किस प्रकार का है? लिक्विड चेंज होने से नीटा चेंज हो जाता है. ठीक है, अलग अलग लिक्विड के लिए अलग अलग वैल्यू होगी. माइनस क्या बता रहा है? माइनस बता रहा है कि विस्कस फोर्स जो है वो एक ओपोजिंग फोर्स है. लिक्विड जिस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, विस्कस फोर्स उसका उल्टा लगेगा. लिक्विड जिधर चल रहा है, विस्कस फोर्स उसका उल्टा लगेगा. अगर लिक्विड हमारे पास राइट डायरेक्शन में जा रहा है, तो विस्कस फोर्स लेफ्ट में लगेगा. हाँ या ना बोलो? Yes, sir. तो नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट, नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट विस्कस फोर्स acts in opposite direction of liquid flow. Opposite direction of liquid flow. सिर्फ लिक्विड की बात नहीं करते हम, जनरली फ्लूड्स की भी बात करते हैं. फ्लूड्स में भी viscosity होती है. फ्लूड्स means liquid gases both. Liquid gases both. But ज्यादातर क्योंकि हम यहाँ पर हमारे most of the examples जो है वो कौन है? Fluids, sorry liquids हैं. तो जनरली लिक्विड्स लिख लेते हैं, बट ये बात दोनों के लिए ट्रू है. क्लियर हुआ? दूसरी चीज ये भी है कि जो लिक्विड का फ्लो है वो ज्यादा बेटर स्ट्रीमलाइन होता है. गैसेस जो है वो रैंडम जिगजैग मोशन में होती हैं, गैस पार्टिकल्स. तो फिर जो ये लॉज हमारे हैं, इनके ऊपर हम किसकी बात करेंगे? लिक्विड्स की बात करेंगे. जब गैसेस की बात करेंगे तो कुछ कुछ फैक्टर्स चेंज हो जाएंगे. जैसे टेम्परेचर का जो इफेक्ट है विस्कोसिटी के ऊपर, वो लिक्विड में अलग है और गैसेस में अलग है. लिक्विड में अलग है और गैसेस में अलग है. लिक्विड के अंदर तो अगर हम टेम्परेचर बढ़ा दें तो विस्कोसिटी कम हो जाती है. लिक्विड का अगर हम टेम्परेचर बढ़ा दें तो विस्कोसिटी क्या हो जाती है? कम हो जाती है. जबकि गैसेस में टेम्परेचर बढ़ाने से विस्कोसिटी बढ़ जाती है. क्लियर हुआ? तो इसलिए दोनों एग्जैक्टली एक जैसा बिहेव नहीं करेंगे. तो हमें स्पेशली मेंशन करना पड़ेगा कि हम लिक्विड की बात कर रहे हैं कि गैसेस की बात कर रहे हैं. ठीक बात हुई कि नहीं हुई? यस सर. थोड़ा सा और आगे बढ़े. यस सर. इसी टॉपिक में, नेक्स्ट टॉपिक नहीं. F is equal to हमारे पास आगे बच्चों माइनस नीटा ए डी वी बाई डी एक्स. याद रह जाएगा? Yes, sir. माइनस नीटा ए डी वी बाई डी एक्स. नीटा क्या है बच्चों यहाँ पे? कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी. A क्या है? A क्या है? एरिया ऑफ लेयर्स इन कॉन्टेक्ट. एरिया ऑफ लेयर्स इन कॉन्टेक्ट. डी वी बाई डी एक्स क्या है? वेलोसिटी ग्रेडियंट. नेगेटिव क्या दिखा रहा है? जो फोर्स है वो लिक्विड फ्लो के उल्टी डायरेक्शन में है. और F क्या है? विस्कस फोर्स. F क्या है? विस्कस फोर्स. क्लियर हुआ? हमारा टारगेट कौन था? कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी. तो यहाँ से इसका फॉर्मूला क्या आ जाएगा? F डिवाइडेड बाय A इनटू dv बाय dx. नेगेटिव एक बात छोड़ दिया क्योंकि हम यहाँ पर सिर्फ इसके क्वांटिटेटिव बात कर रहे हैं. यहाँ पर नेगेटिव का तो मीनिंग तो हमें पता चली गया क्या मीनिंग है. तो नीटा का फॉर्मूला आ गया बेटे F डिवाइडेड बाय A dv by dx. माइनस लगाए तो भी कोई इशू नहीं है क्योंकि हम यहाँ से ऐसा यूनिट्स और डायमेंशनल फार्मूला कैलकुलेट करने वाले हैं. ऐसा यूनिट बताओ भाई क्या होगी? कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का ऐसा यूनिट फोर्स के लिए न्यूटन, एरिया के लिए मीटर स्क्वायर, वेलोसिटी के लिए मीटर पर सेकंड, डिस्टेंस के लिए मीटर, मीटर से मीटर. तो ये बन गया बच्चों न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर. न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर. बताओ कोई दिक्कत है किसी बच्चे को? नो सर. न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर. और इसे क्या बोलते हैं बेटे? इसे बोलते हैं पोइजुली. इसे क्या बोलते हैं? पोइजुली. दिस इज कॉल्ड पोइजुली और डेका पॉइज. और क्या कहते हैं इसे? डेका पॉइज. डेका पॉइज. समझ आई बात क्या? Yes, sir. CGS unit. Coefficient of viscosity का? CGS unit. Force की जगह? Dyne. यहीं से डायरेक्ट निकालो. Dyne second centimeter power minus 2. क्लियर हुआ क्या नहीं हुआ? Yes, sir. तो ये हो गया. इसे बोलते हैं बच्चों poise. इसे क्या बोलते हैं? Poise. Poise.
तो इसका ऐसा यूनिट है डेकापोइज, ध्यान देना है, गलत नहीं कर देना है, ऐसा यूनिट है डेकापोइज जिसे पोइजली बोलते हैं, और सीजीएस यूनिट है पोइज, और डेकापोइज का मतलब 10 पोइज, डेका जो है उसकी डेका मीनिंग 10 की पावर 1, जैसे किलो का मतलब होता है 10 की पावर 3, वैसे डेका का मतलब होता है 10 की पावर 1, क्लियर हो आप डेका? तो 1 डेका पोइज इज इक्वल टू हाउ मेनी पोइज? 10 पोइज। कोई दिक्कत बच्चे? नो सर। तो ये आपके पास हमने कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की बातचीत करी, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी क्या होता है, फार्मूला निकाला, ऐसा यूनिट निकाला, सीजीएस यूनिट निकाला, दोनों के बीच में रिलेशन बताया, यहां तक क्लियर? यस सर। डायमेंशनल फार्मूला भी निकाल सकते हैं? यस सर। दिस इज का डायमेंशनल फार्मूला ऑफ कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी यानी नीटा, ध्यान देना बच्चों, ये फार्मूला पड़ा हमारे पास, फोर्स के लिए क्या आ जाएगा, m1 - 2 डिवाइडेड बाय, इसकी जरूरत ही नहीं है, इसे निकाल लो, न्यूटन फोर्स के लिए फोर्स का लगा दिया, इनटू टाइम के लिए t1 डिस्टेंस की पावर माइनस 2, हाया ना बोलो, yes, तो कितना आ गया बच्चों m की पावर 1, l 1 यहां पर और माइनस 2 यहां पर, माइनस 1, माइनस 2 और प्लस 1 माइनस 1, तो डायमेंशनल फार्मूला बताओ बच्चों क्या बना, m1 l -1 t -1, कोई दिक्कत किसी बच्चे को? नो सर। कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का ऐसा यूनिट सीजीएस यूनिट, उनके बीच में रिलेशन और डायमेंशनल फार्मूला आ गया समझ? यस सर। कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी क्या होता है आ गया समझ? यस सर। कोई दिक्कत है किसी बच्चे को? नो सर। कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ज्यादा होने का मतलब लिक्विड का ज्यादा गाढ़ा होना, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ज्यादा होने का मतलब लिक्विड का ज्यादा गाढ़ा होना, कोई डाउट? नो सर। टेम्परेचर का क्या इफेक्ट है विस्कोसिटी के ऊपर, अभी बताया था इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, एक ही टॉपिक चल रहे बेटे अभी, ये सेम ही विस्कोसिटी वाला, टेम्परेचर का क्या इफेक्ट है, नंबर एक लिक्विड्स पर, नंबर एक लिक्विड्स पर, लिक्विड्स में जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो विस्कोसिटी कम हो जाती है, टेम्परेचर बढ़ाने से विस्कोसिटी कम हो जाती है, कोई डाउट है किसी बच्चे को? नो सर। क्लियर हुआ? यस सर। ठीक है जी, और अच्छा ये कम क्यों होती है, इंटरमोलिक्यूलर अट्रैक्शन जो है वो बिगड़ जाता है, उनका इंटरमोलिक्यूलर अट्रैक्शन जो है वो कम हो जाता है टेम्परेचर बढ़ाने से लिक्विड्स का, क्लियर? यस सर। और हम बात करेंगे गैसेस की, किसकी बात करेंगे? गैसेस की। गैसेस में जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं ना बेटे, तो उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, क्या बढ़ जाती है? काइनेटिक एनर्जी, और डिफ्यूजन जो है वो डिफ्यूजन बढ़ जाता है, डिफ्यूजन बढ़ जाता है, रेट ऑफ डिफ्यूजन जो है वो टेम्परेचर के हाफ पावर के यानी अंडर रूट टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी दो या दो से ज्यादा गैसेस जब आपस में मिक्स होती हैं तो उसे बोलते हैं डिफ्यूजन, और जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो डिफ्यूजन जल्दी जल्दी होने लगता है, फास्ट फास्ट होने लगता है, क्लियर? जब हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे फास्ट फास्ट गैस पार्टिकल एक दूसरे के अंदर घुसने लगेंगे, डिफ्यूज करने लगेंगे, तो वो ज्यादा कोलाइड करेंगे, ज्यादा कोलाइड करेंगे तो उनके मोशन को ओपोजिशन ज्यादा मिलेगा कि कम मिलेगा? ज्यादा मिलेगा, तो विस्कोसिटी बढ़ जाएगी, तो विस्कोसिटी बढ़ जाएगी। जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो विस्कोसिटी गैसेस की क्या होती है बच्चों? बढ़ जाती है। गैसेस की विस्कोसिटी का क्या होता है? बढ़ जाती है। बोलो उसे बात समझ आई कि नहीं आई? लिक्विड की विस्कोसिटी कम होती है टेम्परेचर बढ़ाने से, और गैसेस की विस्कोसिटी ज्यादा होती है। आज की इस क्लास में इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम कुछ नए टॉपिक्स के बारे में पढ़ेंगे फ्लूइड डायनेमिक्स के।